आपकी दीक्षित मैडम, उन्होंने मंगवाया था, उसको भी मैंने करवा दिया, सारे तैयार करवा दिया था, तो उसमें क्या था 26 पद इनको कम कर रहे। अब 4 बजे मीटिंग बुलाओ। कोरोना के बाद में जब आप पूरी उपस्थिति होगी तो लोगों के काम होने चाहिए। गुड गवर्नेंस का ये हिस्सा है कि हम लोग औचक निरीक्षण करें, अधिकारी भी औचक निरीक्षण करें, जो नहीं आ रहे हैं समय पे ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, जो काम अच्छा कर रहा है उनको हम लोग मोटिवेट करें, जो डिपार्टमेंट में जो भी सेक्टर वाइज जो कोई कमियां हैं उनको कैसे ठीक करें, कौन व्यक्ति कैसा किस लगन से काम कर रहा है। अभी जितना निरीक्षण किया उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है उसका फर्नीचर पुराना है तो बैठने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो स्टोर के लिए हमने उसकी बात कहा था कि स्टेट ओपन में की तरफ से कोई बड़ा स्टोर रूम बनाए जिससे वो सारा का सारा इसी तरह से क्योंकि तमाम जो विभाग है उनका वहाँ चला जाए तो जगह हो जाए। दूसरा एक हमने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय समय में कार्यालय के काम के अलावा कोई भी मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी इसी तरह का व्हाट्सएप वगैरह का उपयोग नहीं करेगा, तो ये हमने निर्देश दिए कि आज ही ये निकाल दिए जाए। कुछ प्रकरण जब चर्चा की तो ये ध्यान में आया कि 2011 के लगभग के टीचर्स हैं उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा है, तो उसको हमने बुलाया। अभी जिला परिषद जयपुर का एक मामला है जिससे वरीयता सूची नहीं बन रही है, सेकेंड ग्रेड के प्रमोशन में दिक्कत आएगी, उसके लिए भी हमने कहा है। बाकी जो जहाँ खराब फर्नीचर है उसके लिए हम लोग कैसे उसको ठीक कर पाएंगे, वातावरण ठीक हो, ये सब चीज़ें गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। हम इसलिए देखा, मैं इस इंस्पेक्शन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ क्योंकि सभी लोग अपने अपने समय पर अपनी ड्यूटी पे थे। मैं 10 बजे शिक्षा आ गया था तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो ये हमारे सबके लिए खुशी, और जो भी लोग आते हैं उनका तुरंत काम है।